बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट एफएससी सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का आज लेक्चर नंबर 7 एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा एंड एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। हाइड्रा एनिमल होता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जिनमें माउथ है सिंगल ओपनिंग और टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, वेजल लाइक बॉडी होती है, ये फुट रीजन है और इनकी जो लेयर्स देख लें तो एपिडर्मस, मिजोग्लिया और इनकी इनसाइड बॉडी में गैस्ट्रोडर्मस एंड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मौजूद है। हाइड्रा बिलोंग्स टू फाइलम नाइडेरिया एंड इसकी अगर हम हैबिटेट की बात करें तो दे लिव इन फ्रेश वाटर एनवायरमेंट, मींस हाइड्रा रिवर्स में और लेक्स में रहते। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो इट हैज नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, इनमें सिंगल ओपनिंग होती है जो कि ये माउथ। एक्सक्रीशन इट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स सिंपली डिफ्यूज इनटू द आइसोस्मोटिक सराउंडिंग्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, मीन्स इनके अंदर जो एक्सक्रीशन है वो जनरल बॉडी सरफेस से ही हो जाती है। इनकी बॉडी के अंदर एंट्री और एग्जिट का ये माउथ ही पॉइंट होता है जिससे फ्लूइड वाटर बॉडी के अंदर आता है, जो इनको रिक्वायर होते हैं ये उसको यूज करते हैं और जो एक्सेस फ्लूइड्स और नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं उनको ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस से ही डिस्चार्ज आउट कर देते हैं। और इनके अंदर अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देखें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है एज बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है प्रोड्यूस बाय ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये हमारे पास हाइड्रा है, दे लिव इन फ्रेश वाटर एंड नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, सिंगल ओपनिंग माउथ प्रेजेंट, एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरियन इज अ फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है और इनकी बॉडी के अंदर सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है जिसे हम प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं। और प्रोटोनेफ्रीडियम इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स, दे आर विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इनका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मौजूद है और अगर हम इसकी एनिमेशन देखें तो ये हमारे पास प्लेनेरिया जिनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट है और अगर इनकी एनाटॉमी देखें हम तो ये हमारे पास प्लेनेरिया के अंदर ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया है जो स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी और ये बिल्कुल क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स हैं। अगर हम इसी किसी एक पार्ट को इनलार्ज करके देखें तो उसमें हमें ये फ्लेम सेल नजर आ रहे हैं, फ्लेम सेल के साथ डक्ट अटैच है। और अगर हम फ्लेम सेल को इनलार्ज करके देखें तो फ्लेम सेल जोन से इस सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, सीलिया होते हैं, तो ये जो फ्लेम सेल है ये सपोर्ट करता है एक्सक्रीशन के अंदर। इसकी फर्दर डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया आर कंपोज्ड ऑफ फ्लेम सेल एंड एक्सक्रीटरी डक्ट्स, ये आ गए जी हमारे पास प्रोटोनेफ्रीडिया और इनके टर्मिनल पे फ्लेम सेल मौजूद होते हैं। फ्लेम सेल के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये हमारे पास फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर है जिसकी आउटसाइड पे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होंगे, इनके गिर्द न्यूक्लियस होगा और इनमें बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, वैक्यूल होता है, सीलिया मौजूद होते हैं। इनको फ्लेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये मूव करते हैं तो इट लुक्स लाइक फ्लेम और इनके अंदर सीक्रेटरी ड्रॉपलेट्स हैं
और ये इंट्रा सेलुलर डक्ट एंड इंटर सेलुलर डक्ट। फ्लेम सेल एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ट्यूबुलर सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ट्यूबुलर सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड इन ब्रांचेस एंड इट्स ब्रांचेस आर कैप्ड बाय सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। मीन्स इस ट्यूबुलर सिस्टम की जो ब्रांचेस हैं उनके टर्मिनल पे फ्लेम सेल मौजूद होते हैं एंड ईच फ्लेम सेल हैज अ टूफ्ट ऑफ सीलिया। ये फ्लेम सेल है और इसके अंदर आपको सीलिया का गुच्छा नजर आ रहा है। द सीलिया बीट लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम। जब ये सीलिया टू एंड फ्रो मूव करते हैं, बीटिंग करते हैं, तो इट लुक्स लाइक फ्लेम। डज इट इज कॉल्ड फ्लेम सेल एंड द बीटिंग ऑफ दिस सीलिया प्रोपेल्स द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम। इस लाइन का मतलब हम इस स्लाइड में देखते हैं। ये हमारे पास प्लेन एरिया है और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है जो मूव करेगा इनसाइड द फ्लेम सेल और फ्लेम सेल के अंदर सीलिया है जो इस फ्लूइड को प्रोपेल्स करेंगे इनटू द एक्सक्रीटरी डक्ट्स और यहां से ये एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। The beating of these cilia propels the interstitial fluid into the tubular system. जी है जी, इसकी जो beating of the cilia है ये क्या करेगी, propel करेगी interstitial fluid को into the tubular system. ये tubular system है। और अगर हम excretory ducts की बात करें तो the tubular system open into excretory duct and excretory duct open outside through the several nephridio pores. Flatworms excrete very dilute urine. And the parasitic flatworms are isotonic to the host environment. Parasitic इसलिए कहते हैं क्योंकि they live in water और अगर कोई animals, higher vertebrates ऐसा पानी पी लेते हैं जिनमें planarians मौजूद थे तो ये planaria water के through इनकी body में चला जाता है और वहां पे रहते हैं। तो उसे हम parasitic flatworms कहेंगे। उनकी अगर हम body conditions देखें तो वो isotonic होती है to the environment, means same रहेंगी। Their flame cell eliminate nitrogenous waste. तो इनके अंदर जो excretory structures हैं वो ये flame cells। तो ये था हमारा आज का topic जिसमें हमने पढ़ा planaria जो कि flatworms होते हैं, tubular system होता है, excretory structure इनमें flame cell है और flame cell के अंदर nucleus और cilia हैं जो जब ये to and fro move करते हैं तो it looks like flame. एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन और इनके अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म एंड कॉकरोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।